क्वेश्चन नंबर 23 दैट मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6 यानी विविध प्रश्न वाला नंबर 6 है। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है x - a का होल स्क्वायर sin 1 upon x - a, जबकि x नॉट इक्वल टू a हो और 0 होगा जब x इक्वल टू a हो। तो इस x इक्वल टू a पर मेरे को कंटीन्यूअस का डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करना है, यानी कि अवकलनीयता का परीक्षण करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं पॉइंट ए पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f a अपॉन माइनस h, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इसमें फंक्शन ये वाला यूज होगा, जहां पर x है ना वहां पर a माइनस h रख देंगे यहां पर, तो ये a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर और साइन 1 अपॉन x, x जगह रखना है a माइनस h और ये माइनस a और माइनस का h, तो ये बढ़ाई है माइनस f a, f a की वैल्यू कितनी है 0, यानी फंक्शन की a पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 है। सिंप्लीफाई करें इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 a से कैंसिल, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां पर देखें ए से ये ले कैंसिल, साइन 1 अपॉन एच है या माइनस है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आगे ले लो और ये साइन 1 अपॉन एच अपॉन ये माइनस एच। अब आप इसमें देखो माइनस और माइनस कैंसिल, ये एक एच कैंसिल, लिमिट अप्लाई करते हैं तो एच की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा साइन है ना, तो माइनस वन तथा प्लस वन के मध्य कोई भी परिमित राशि आ जाएगी नहीं, के मध्य परिमित डिस्टिंक्ट वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन परिमित राशि आएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो भी ये वैल्यू आएगी जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब आप इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, पहले कॉपी कर लो इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लिखेंगे ना तो एल एफ डैश ए आ गया मेरे पास 0, इसको हटा देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आर एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस h, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो फंक्शन देखो इसमें जब x नॉट इक्वल टू a हो तो ये वाला पार्ट यूज होगा इसका, तो इसमें जहां x है वहां a प्लस h रख देंगे, तो a प्लस h माइनस a का स्क्वायर, यहां पर साइन 1 अपॉन x की जगह पर a प्लस h माइनस a अपॉन ये h, सॉल्व करें लिमिट h टेंड्स टू 0 a से a ये कैंसिल हो जाएगा h का स्क्वायर, और यहां पर ये a से a से a के कैंसिल हो जाएगा, साइन 1 बाय h अपॉन h, h से h कैंसिल, इसमें माइनस ना ये मैंने यूज नहीं किया, माइनस एफ ए बिकॉज ये कितना था 0 वैल्यू है, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो माइनस 0 आ जाएगा, इसको माइनस 0 ले लेते हैं यहाँ पर, तो एच एच कैंसिल हो गया, बचा कितना एच और साइन 1 बाई एच, लिमिट अप्लाई करो, इस एच की जगह 0 लिखूंगा, यहां पर अगर 0 लिखूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन 0, ऐसे केस में 0 इंटू माइनस 1 तथा प्लस 1 के मध्य कोई भी परिमित मान है ना, परिमित राशि के दो मान कहो, तो 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए कितना आया 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए कितना आया 0 है, मुझे 0 1 से मतलब नहीं होता है, मुझे इसमें यह मतलब होता है दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यहां दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं
R F dash A is equals to L F dash A. Therefore, function f x is differentiable at x equals to a. मतलब जो दिया गया फलन है ना वो x equals to a पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है ना। तो हमारे को इसमें क्या करना था, अवकलनीयता का परीक्षण करना था। तो डिसाइड क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो x equals to a पर क्या है, अवकलनीय है। फलन x equals to a पर अवकलनीय है। स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, खूब प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन करें ताकि आपका आप उसमें एक्सपर्ट बन जाए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।